हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशांत। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक की पोयम नंबर फर्स्ट की। पोयम का नेम है ए फोटोग्राफ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोयम, दिस पोयम इज़ रिटन बाय शर्ली टाउलसन। यह पोयम शर्ली टाउलसन के द्वारा लिखी गई है। द पोइटेस थ्रू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर मदर्स मेमरीज इन्वाइट्स आवर अटेंशन टू दी ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो पोइटेस है वो हमारा ध्यान अपनी माँ की स्मृतियों की ओर आकर्षित करना चाहती है कि ह्यूमन लाइफ ट्रांजिटरी है, टेम्परेरी है और शॉर्ट लिव्ड है। पीपल टेक बर्थ, ग्रो एंड वेरी सून डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लिविंग बिहाइंड देयर मेमरीज ओनली। लोग जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और गायब हो जाते हैं इस संसार से, लेकिन अपने पीछे कुछ यादें छोड़ जाते हैं। नाउ द समरी ऑफ द पोयम। एन ओल्ड अनफ्रेम्ड फैमिली फोटोग्राफ हैंगिंग ऑन द वॉल। एक पुरानी बिना फ्रेम वाली तस्वीर दीवार पर टंगी थी। द फोटोग्राफ स्टैंड्स द हैप्पी चाइल्डहुड डेज ऑफ द पोएटेस मदर। जो तस्वीर थी वो यह दर्शा रही थी पोएटेस की माँ के बचपन के खुशनुमा दिन। इट शोज़ हर मदर अ 12-year-old girl इंजॉइंग ऑन द सी बीच। वह समुद्री तट पर इंजॉय कर रही थी विद टू ऑफ हर यंगर कजन्स बैटी एंड डोली। अपने दो छोटे कजन्स के साथ जिनका नाम था बैटी और डोली। देयर हैप्पीनेस शोज़ इन देयर फेसिस। उनके चेहरे पर उनकी खुशी देखी जा सकती है। दे स्माइल एज दे पियर इन टू द कैमरा हेल्ड बाय देयर अंकल। द पोएटेस शर्ली वॉज नॉट बोर्न देन। तब पोएटेस शर्ली का जन्म नहीं हुआ था। सो द फोटोग्राफ मस्ट बी डिकेड्स ओल्ड। तो जो यह तस्वीर है ये दशकों पुरानी है। नो डाउट दे इंजॉय देयर टाइम ऑन द बीच दैट डे। इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपना टाइम बीच पर बिता रहे हैं। नाउ द पोएट्स मदर इज नो मोर। अब पोएटेस की मदर नहीं है। बट द सी हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। लेकिन समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया है इतने दशकों में भी। दस क्लियर दैट ह्यूमन लाइफ इज टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड एज कम्पेयर टू द परमानेंस ऑफ द नेचर। यह हमें बताता है कि एक मानव की लाइफ टेम्परेरी है किसकी तुलना में, परमानेंस ऑफ द नेचर की तुलना में। थैंक यू फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो।